हेलो थ्री एंड फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे तुम लोग जाकर कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ओपन है। कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं गया था मैहर, ठीक है। दोस्त का बर्थडे था, मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका था भाई। ठीक था, मैहर तक जाना ठीक था। मुझे उम्मीद थी कि आ जाएंगे और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। यही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि लौटेंगे और वीडियो बनाएंगे। अब होता है ट्विस्ट कहानी पे। कहानी का ट्विस्ट सुना देता हूँ मैं तुम लोग को। हम लोग मैहर चलते हैं सीढ़ियों से चढ़कर भाई। वो पहाड़ टिंगी पे है मंदिर और 1100 सीढ़ियाँ हैं भाई। हम 1100 सीढ़ियाँ चढ़े हैं पैदल ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। 1100 सीढ़ियाँ चढ़ना, 1100 सीढ़ियाँ उतरना, वो भी अच्छी खासी धूप में सूखे गले के साथ। रात के जो पैर दर्द दिए भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं और वीडियो बना लूं। बस एक चीज़ दिख रही थी सपनों में, बिस्तर। मैंने सोचा थोड़ा सा गेम खेलता हूं भाई, गेम भी नहीं खेल पा रहा था। मतलब बस मोबाइल 3 बार मेरे थोबड़े पे गिरा, तब जाके मैंने मोबाइल रखा कि भाई तू साइड हो जा, दूर रह। और इसके बाद मेरी नींद खुली है वहाँ पर सोने के बाद, अभी 10:30 बजे भाई। कुंभकर्ण फेल है मेरी नींद पे इतना। और अभी जो पैर दर्द दे रहे हैं और मेरा जो गला बैठा हुआ है, तुम अंदाज़ा लगा लो। मतलब अंदाज़ा क्या ही लगा पाओगे यार, जो बीत रही है वो मुझ पे है। तो सब यही इशू था यार। अभी भी मन था नहीं मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन चलो बना रहा हूँ तो देख लेते हैं। तुम लोग देख लो, मैं 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियो भी तुम लोग को दे दूँगा यार। इकट्ठो ट्राई करेंगे अपन लोग इस वाले वीडियो को कवर कर दें, बट अभी तो इसी को रखो, हिम्मत है नहीं मेरी। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। मुझे भूल चुका पिछले एपिसोड में क्या हुआ था हमने। बस ये मुझे याद है कि जॉन वापस से सिप पे आ गया होता है और इमॉर्टल डेमन दामोंग, क्या उसका नाम था, दिवांग ओवांग जो कुछ है, उससे बातचीत कर रहा होता है। जॉन पूछ रहा होता है कि भाई ये बता वो बता, इन्हें कैसे आज़ाद कर सकते हैं जो ये 7 13 घोड़े हैं। जो देखकर वो कहता है ये सब मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ और ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। जिसके बाद जॉन ने पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो जो देखकर वो बंदे में बताया कि 5 साल कम से कम। जो देखकर जॉन कहता है ठीक है चलो मैं पिल रिफाइन कर लेता हूँ, और जॉन बाकी जो पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए बैठ गया होता है। एपिसोड मैंने वहीं एंड किया था, देखो मुझे इतना याद है, तुम लोग को तो पता ही है एपिसोड। तो आ जाते हैं इस एपिसोड में, देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो इस टाइम पे जो दाऊजी होता है वो ये देखकर हैरान होता है कि जॉन 1000+ जो इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें एक ही बार में रिफाइन कर रहा था। बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता कि जॉन ऐसा कर कैसे सकता है, क्योंकि इतने सारे पिल इंग्रेडिएंट्स को एक बार में रिफाइन कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तभी जॉन कहता है इस पिल के इंग्रेडिएंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह जो पिल है इसका इफेक्ट स्पिरिचुअल पावर को वापस से रिकवर करने के लिए किया जाता है। स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड इसका कोई काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसे रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। और इस पिल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कोई स्पेशल इफेक्ट होना चाहिए। जॉन इस इफेक्ट को लेकर काफ़ी क्यूरियस होता है। हालांकि पिल के इफेक्ट में जॉन को कोई भी शक नहीं था। अपनी रिफाइनमेंट के एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए जॉन तुरंत ही डिसाइड करता है कि इस पिल का जो ग्रेड होगा वो डिवाइन ग्रेड तक पहुँच चुका है। और जॉन ने पहले से इस डिवाइन ग्रेड की पिल को रिफाइन करने की कुंजी को समझ लिया था, और अब जॉन के लिए डिवाइन ग्रेड की पिल को रिफाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अभी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थे, और बेशक काफ़ी प्योर भी होने चाहिए। हर एक पिल जितनी ज़्यादा प्योर होगी उसका इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हर एक पिल को प्योर करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। जहाँ तक इमॉर्टल डेमन दाऊजी की बात है, वो तो देखते देखते हैरान हो रहा होता है। हालांकि वो यहाँ पे ज़्यादातर मटेरियल के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसने यहाँ पे कुछ नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स देखे थे जिनके बारे में वो जानता था, और कुछ ऐसे देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और काफ़ी पॉपुलर भी। बहुत मुश्किल से ही मिलना इनका होता था। अब एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स के दांत होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जॉन उन्हें ऐसे रिफाइन कर रहा होता है जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं। जॉन के सामने ये ऐसे रिफाइन हो रहे होते जैसे कि रुई में आग लग चुकी हो, और ये फ्लेम के सामने कोई भी इंग्रेडिएंट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा होता है। और यहाँ पे 3 कलर की ये फ्लेम देखकर दाऊजी को ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सारी फ्लेम है कौन सी, क्योंकि कोई फ्लेम ऐसी उसने आज तक देखी नहीं, ना इमेजिनेशन में ना सुनी। इसीलिए वो अपने दिल में एकदम हैरान होता कि ये बंदा है कौन जो अचानक से आ गया। इतना खतरनाक पावर लेवल, इतनी खतरनाक बॉडी कैप्चरिंग पावर, इतनी खतरनाक पिल रिफाइनिंग पावर और इतनी खतरनाक फ्लेम, वो किसी भी चीज़ में नहीं कर सकता था जॉन को ब्लेम। ओह मैं तो शायर हो गया, ओह बेहतर मैं तो पहले से ही शायर हूँ। हालांकि इस चकाचौंध के टाइम के अंदर जो यान के कुलड्रोन के ऊपर आखिरकार एक पिल की स्मेल फैल गई होती है।
इमॉर्टल मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड में मुट्ठी भर ही एल्केमिस्ट थे और इमॉर्टल डेमन दाऊजी भी एक एल्केमिस्ट था। वो ये देखकर एकदम हड़बड़ाते हुए तुरंत ही कहता, ओह वाह, आखिरकार जो इमॉर्टल मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड के एल्केमिस्ट हैं वो एवरेज क्वालिटी वाले लोग हैं। और जो यान की अगर बात की जाए तो दाऊजी के अकॉर्डिंग जो यान काफ़ी टैलेंटेड है। जो यान उसका ध्यान भटका सकता है वो किसी का भी भटका सकता है, यहाँ तक कि दाऊजी तो तुरंत ही जुआन से प्रभावित हो गया होता है। और इमॉर्टल मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर क्योंकि एल्केमिस्टों की क्वांटिटी कम थी, एल्केमिस्टों को काफ़ी पावरफुल माना जाता था और उन्हें काफ़ी सीरियस भी लिया जाता था। साथ ही साथ इमॉर्टल मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड में हाई लेवल के पिल की क्वांटिटी बहुत कम होने के कारण और एल्केमिस्ट कम होने के कारण पिल्स को काफ़ी हाई लेवल पर रखा जाता था और एक प्रीसियस ट्रेजर माना जाता था। दाऊजी के पास जो यान की इस स्मेल को सुनकर अपने सूंघ कर अपने सिर को खुजलाने के अलावा कोई रीजन ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी पिल्स हैं जो उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकती थी नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन उन्हें रिफाइन करने का सबसे कठिन होना उसके लिए प्रॉब्लम थी। साथ ही इमॉर्टल मोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड में क्योंकि एल्केमिस्ट अच्छे से पिल रिफाइन नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो हाई लेवल की पिल होती है उनकी क्वांटिटी कम होती है तो उनका प्राइस भी काफ़ी महंगा होता है। याद है कि काफ़ी पावरफुल लोग तो पिल की तलाश में ही यहाँ वहाँ घूमते हैं और ये कहना सच होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका रियलिटी से कोई भी मैटर नहीं है। ना ही वो जो यान को इसके बारे में कुछ बताना चाहता, लेकिन हाँ वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो यान का पक्ष जीतने में और जॉन को अपनी तरफ खींचने में कर सकता है ताकि उसके पास जिंदा रहने की एक एक्स्ट्रा उम्मीद हो सके। आखिरकार उसे अभी भी पता था कि उसकी सोल और पावर और बॉडी और लाइफ जो यान के ही कंट्रोल में है। दूसरी तरफ जोयान इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। जोयान की जो नज़र होती है वो अभी भी पिल रिफाइनमेंट पर ही टिकी हुई होती है क्योंकि जोयान ने थोड़े टाइम के अंदर पिल को रिफाइन किया था और इस पिल से चारों तरफ हवा में एक काफ़ी अच्छी स्मेल फैल चुकी होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो पिल थी अभी भी अपने रियल लेवल पर नहीं पहुंची थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे उस लेवल तक पहुंचाने के लिए प्योर करने की ज़रूरत थी जो कि रिफाइन करने से ज़्यादा मुश्किल काम था। और हर एक रिफाइनमेंट के बाद पिल के ब्लास्ट होने का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा और ये पॉसिबल है कि ये रिजल्ट अनबिलीवेबल हो। हालांकि इस एक पिल की रिफाइनमेंट में जो कंपास होता है उस पर केवल एक तिहाई पिल खर्च हुई होती है, यानी कि दो तिहाई पिल के इंग्रेडिएंट अभी भी रखे हुए होते हैं जो इसे रिफाइन करके हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए यूज़ किए जा सकते थे। लेकिन जिस टाइम पर यह पिल रिफाइन हुई थी इसे होली लेवल की पिल की क्वांटिटी तक माना जा सकता था और इसे क्रिएट करके रिफाइन करके कंटिन्यू इसे रिफाइन करते हुए डिवाइन गेट तक पहुंचाना है तो ये अभी भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन जोयान कहाँ हार मानता है, वो तुरंत ही बड़ी वहाँ क्वांटिटी में मेडिसिन इंग्रेडिएंट को उठाकर सीधा ही फ्लेम में भेज देता है और उनके पाउडर को इस पिल के साथ मिलाना शुरू करके इस पिल को ग्रिल करना शुरू कर देता है। जैसे ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं लिक्विड और पाउडर, वो पिल के साथ फ्यूज होना शुरू हो चुके होते हैं और अंत में एक स्पिरिचुअल लिक्विड में बदल जाते हैं। किनारे पर इमॉर्टल डेमन दाऊजी हर एक चीज़ और प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, समझ रहा होता है और काफ़ी शांत होता है। आखिरकार वो एक एल्केमिस्ट के तौर पर जोयान के तुलना में थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि क्या कोई इस तरीके से भी पिल रिफाइन कर सकता है। आखिरकार उसके अकॉर्डिंग ये पिल होली लेवल तक पहुंच गई और होली लेवल का पिल पहले से ही एशियन मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है, यहाँ तक इसे एक हाई लेवल का पिल माना जाता है। अगर आप इसे रिफाइन करना जारी रखेंगे तो आप इसे तोड़ देंगे और ख़राब कर देंगे। हालांकि आप ऐसे इसे डिवाइन लेवल पर पहुंचा सकते जो उससे भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन दाऊजी ने तब तक अपनी सांसें रोक रखी होती हैं जब तक कि उन्होंने स्पिरिचुअल लिक्विड को पिल में फ्यूज नहीं कर दिया था। फिर आखिरकार वो एक सांस छोड़ता और जो यान को देखता कि वास्तव में इसने पिल की क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया। जो स्मेल अब फैली हुई होती है वो उसे एक अलौकिक एहसास दे रही होती है, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही एक्साइटमेंट, जैसे वास्तव में उसकी सोल को रिफेयर कर रही हो। जो देखकर दाऊजी एक्साइटेड होकर कहता है, वाओ सक्सेस, ये पिल कम से कम हाफ डिवाइन लेवल तक पहुंच चुका है। मैं इस पिल को देखने के लिए वास्तव में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। हालांकि उसने ये सोचा ही होता है कि जॉन ने अपना काम खत्म कर लिया। जॉन तुरंत ही अपने हाथ को लहराता है और एक और बैच पिल का उठाकर सीधा ही उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। तुम्हें पता है जॉन डिवाइन तक पहुंचा के ही रहेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। जो देखकर दाऊजी की जो आंखें होती हैं और सांसें होती हैं वो दोनों ही रुक चुकी होती हैं। वो तुरंत ही कहता है, वास्तव में ये इसे रिफाइन करना चाहता है। अगर वो इसे फिर से रिफाइन करता है तो ये पिल डिवाइन ग्रेड में बदल जाएगी, लेकिन वास्तव में हाफ डिवाइन ग्रेड की क्वालिटी तक पहुंचा पाना भी बुरा नहीं था। लेकिन डिवाइन ग्रेड की जो पिल होती है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे कि वो काफ़ी सारी लेयर्स में घिरी हुई हो। लेकिन अभी ये वास्तव में हाफ डिवाइन रियलम तक है और इस लेवल तक पहुंचना ही काफ़ी मुश्किल। हाफ डिवाइन रियलम तक पहुंचने के बाद जो यान भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। ऐसा लग रहा था कि ये पिल अभी भी सही नहीं है जिसे जो यान ने रिफाइन किया था।
हालांकि ये पिल का जो फॉर्मूला था वो जॉन को बाद द्वारा दिया गया था, लेकिन जॉन को लग रहा होता है कि इस पिल फॉर्मूले के साथ जरूर ही कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई है। और जब तक इस पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट में कोई भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस पिल में नहीं आना चाहिए, तो इस पिल को हाई लेवल पर अगले लेवल पर अपग्रेड नहीं किया जा सकता। जॉन के दिमाग में पूरा के पूरा पिल का जो प्रोसेस होता है एक बार फिर से आ जाता है। जॉन इसे समझता है, सुधारने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है कि इसमें क्या गलती हो सकती है। लेकिन जॉन को हजारों इंग्रेडिएंट के बीच एक ढूंढनी थी मिस्टेक। निश्चित तौर पर यह आसान नहीं होता, लेकिन जो यान इसे तुरंत ही खोज लेता है। लेकिन अब क्योंकि पिल तैयार थी, जो यान ने भले इसमें खामियां खोज ली हो, लेकिन ये सच है कि नॉर्मल फ्लेम अब इसे दोबारा नहीं सुधार सकती थी। लेकिन अगर यहाँ जो यान है तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए जॉन थर्ड रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देता है। हालांकि कमियां हैं, लेकिन जॉन इसे आसानी से तो खत्म नहीं कर सकता, बट ट्राई कर सकता था इसे फोर्सफुली डिवाइन गेट पे अपग्रेड करने का। आखिरकार उसका मोटिव इस पिल को रिफाइन करना नहीं, इसलिए जॉन यहाँ टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरा इमॉर्टल डेमन दाऊजी शौक होते हुए कहता है बस रुक जाओ, और अपने अंदर ही फुसफुसाता है। उसके अकॉर्डिंग अब इस पिल को और भी ज़्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, इतना पहले से ही पर्याप्त था। तो जॉन को अब रुक जाना चाहिए, और ज़्यादा रिफाइनमेंट केवल इस पिल को और मेहनत बर्बाद कर देगी। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो साला कंफर्ट जोन में रहकर अपनी ज़िंदगी की लंका लगवा लेते हैं मेरी तरह। साथ ही उसने देखा होता है कि जॉन ने जो थर्ड रिफाइनमेंट के लिए पिल इंग्रेडिएंट उठाए हैं वो पहले दो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा लग रहा होता वो उसे भी बाकी दो के साथ मिलाना चाहता था, और जॉन यहाँ से कर भी रहा होता, उसकी पूरी की पूरी फ्लेम ऐसे रिफाइनमेंट को करने के लिए एकदम अग्रेसिव तरीके से घूम रही होती हैं। जिसके बाद इमॉर्टल डेमन दाऊजी तुरंत ही कहता है सक्सेस। क्या वो सक्सेस हुआ? इमॉर्टल डेमन दाऊजी की पलके झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि वो रिफाइनमेंट को काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से देख रहा था, और उसे डर था कि कहीं वो कोई सीन छोड़ ना दे। उसे उम्मीद थी कि वो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देख पाएगा। वो देख रहा होता है दो पिल्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, फ्लेमें एक दूसरे के साथ ग्रिल कर रही होती हैं दोनों ही पिलों को, और ये आपस में हल्का हल्का जुड़ रही होती है। जो यान के माथे से पसीना आ रहा होता है, वो अभी भी फोकस होकर पिल रिफाइनमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और यह डिवाइन पिल ऐसी पिल थी जिसे बहुत मुश्किलों से रिफाइन किया जा सकता था, और ऐसा लग रहा था अभी भी जॉन डिवाइन पिल को रिफाइन करने के लिए परफेक्टली एक्सपर्ट नहीं हुआ है। हालांकि जैसे जैसे जॉन इन्हें ज़्यादा बार रिफाइन करेगा, फेल होने के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। जिसके बाद जो यान का जो कुलड्रोन होता है अचानक कांपने लगता है। इमॉर्टल डेमन दाऊजी भी चौंक गया होता है, उसका दिल भी कड़ा हो चुका होता है और धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं। उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि ये कुलड्रोन उड़ने वाला है, और एक बार अगर ये कुलड्रोन ब्लास्ट हुआ तो उसका जो कंपास है वो भी डैमेज हो जाएगा। वो तुरंत कहता है सावधान रहे हैं, लेकिन बेचारे को उम्मीद नहीं थी कि वो केवल अपने दिल के अंदर चिल्ला रहा है, मुंह के बाहर आवाज़ ही नहीं निकल रही। दोस्तों जॉन तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता, जॉन केवल अपनी तीन फ्लेमों को देख रहा होता है और उसके अंदर उन दो पिल्स को देख रहा होता है जो लगभग ढहने वाली होती हैं, लेकिन जॉन ने फोर्सफुली स्टेबल करके रखा हुआ होता है और इसे फ्यूज कर रहा होता है। साथ ही क्योंकि ये पिल ढहने की यानी कि खत्म और बर्बाद होने की टूटने की कगार पर थी, जॉन ने जो फ्यूजन प्रोसेस थी उसे काफ़ी स्लो रखा होता है। हालांकि ये प्रोसेस धीमी थी लेकिन काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये पिल धीरे 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 ग्रिल होकर एक साथ फ्यूज हो रही थी। साथ ही जो यान की जो हार्ट ऑफ फ्लेम है वो इस पिल को डिवाइन लेवल तक नहीं पहुंचा सकती, वो केवल इसकी इंप्योरिटीज को कम करके इसे रिफाइन कर सकती हैं। इसीलिए अब जो कुछ भी था वो जो यान के हाथ में था उसे केवल बने रहने, जुड़े रहने और ढहने से बचाने की जरूरत थी। और जॉन की रिस्पेक्ट के तहत पसीने से दे पसीने की बूंदें, चेहरे से पसीने की बूंदें दे दनादन नीचे गिर रही होती हैं, और अचानक ही कुलड्रोन के ऊपर एक साइन लाइट तेज से ग्लो होती है, और इमॉर्टल डेमन दाऊजी तुरंत ही ध्यान से देखता है एक प्योर पिल जो कि कुलड्रोन के ऊपर कांच की तरह तैर रही होती है। ये पिल स्टेबल नहीं होती और नॉर्मल अदर पिल्स की तरह नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी अलग लग रही होती है, और इसके अंदर से जो ऑरा या पावर निकल रही होती वो काफ़ी स्ट्रांग थी, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों जॉन के मुंह से भी यही आवाज़ आती है फाइनली डिवाइन ग्रेड, आखिरकार मैंने इसे डिवाइन ग्रेड तक पहुंचा दिया। दाऊजी का तो अलग ही एक्साइटमेंट था, वो तो तुरंत ही कहता है मैंने डिवाइन ग्रेड की पिल देख ली, मैं लकी हूँ, अनबिलीवेबल मैंने डिवाइन ग्रेड की पिल देखी है, वो भी मेरी आंखों के सामने। टोटल डैमन दाऊजी इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो लगभग अपनी प्रेजेंस और हालत को ही भूल गया होता है। ऐसा लग रहा होता है ये पिल रिफाइनमेंट उसने किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो तब जॉन अपने हाथ को लहराता है और सक्सेसफुली उस पिल को जेट की बोतल में डाल लेता है। साथ ही साथ जॉन इस पिल को हाथ से टच नहीं किया होता, और ये हवा में ये पिल हवा में घूम रही होती है, और एक काफ़ी प्योर और एक सॉफ्ट
स्मेल चारों तरफ उड़ रही होती है, जो हर किसी की सोल को काफी तरोताजा महसूस करा रही थी। हालांकि जो यान जब वो इस पिल को जेट की बोतल में डाल रहा होता है और पिल उसके हाथ के ऊपर तैर रही होती है, तभी जॉन को काफी अजीब लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो पिल को रिफाइन करता है तो ये पिल किसी स्टार या प्लेनेट के जैसे ही है, एकदम गोल और छोटी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टार या प्लेनेट्स है वो भी किसी के द्वारा रिफाइन किए गए ऑब्जेक्ट हो या चीजें हो? ये विचार अचानक जॉन के मन में कौंधा होता है। हालांकि हर एक चीज आपस में जुड़ा हुआ लगता है, जॉन को लग रहा होता है जैसे ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जॉन तुरंत कहता है प्लेन, पिल, प्लेनेट। जॉन को अचानक ही कुछ चीजें समझ में आई होती है, जिसके बाद जॉन बड़बड़ाते हुए इस पिल को रिफाइन कर रहा होता है और अचानक उसे महसूस हुआ था कि उसके दिल में धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन और चीजें क्लियर हो रही हैं। दूसरा इस टाइम पे अचानक ही जो यान को यह भी महसूस होता है कि उसकी बॉडी में 5 स्टार की जो पावर होती है वो धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है। आखिरकार जॉन के पास वर्ल्ड एनर्जी की कमी नहीं थी, सेंट जियान युआन ने अपनी पूरी की पूरी वर्ल्ड एनर्जी और लक जो यान को दे दिया था, जो कि जॉन की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा था। इसीलिए जो यान के पास जो वर्ल्ड एनर्जी है वो पहले से ही काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन जो यान को उसे पूरी तरीके से यूज़ में लेने के लिए, इग्नाइट करने के लिए और एक्टिव करने के लिए इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। साथ ही एक्सपीरियंस के लिए जो भी वो आजकल कर रहा है या जो कुछ भी होता है, वो जिससे भी है, जिससे भी मिलता है, उसे हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके थॉट्स को समझना होगा, वर्ल्ड को समझना होगा, उसकी इंटेंट और एनर्जी को समझना होगा, तभी वो सक्सेसफुली आगे ब्रेक थ्रू कर सकता है। हालांकि ये काफ़ी आसान लगने वाला काम है, लेकिन ये वास्तव में आसान है नहीं, क्योंकि इसका एहसास होना सबसे बड़ा काम है और सबसे मुश्किल काम। अब ब्रेक थ्रू करना कोई ऐसा काम नहीं जिसे केवल आप एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके कर सकते हैं, क्योंकि ना ही आप सोर्स एनर्जी और ना ही आप इमॉर्टल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकते। बस आपको अब सच्चाई और झूठ के अंदर अंतर समझना है, और यही आपके ब्रेक थ्रू का रियल और आसान तरीका है, लेकिन यही सबसे कठिन तरीका भी। ऑब्वियसली आखिरकार आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है या कोई टास्क नहीं जिसे आप फॉलो करके ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो ये कठिन तो होना ही चाहिए था। जिसके बाद जॉन ने जो किंग जुआन पिल रिफाइन की होती है, उसे रिफाइन करने के बाद जॉन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। दोस्तों ओरिजिन गॉड क्लोन और जिन डोंगविंग जो से कुछ ही दूरी पर होते हैं, वो धीरे धीरे जो यान की तरफ आ रहे होते हैं। दोस्तों जिन डोंगविंग भी ओरिजिन गॉड का पीछा करते वहां तक आ गया होता है। दोस्तों ओरिजिन गॉड क्लोन जो यान की शैडो बनकर जो यान के अंदर गायब हो जाता है। इमॉर्टल डेमन दाओजी कोई भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जिस क्षण डोंगविंग कंपस में कदम रखता है वो ऑब्वियसली डोंग दाओजी को देखता है, तो वो एकदम हैरान रह गया होता है। और इमॉर्टल डेमन दाओजी भी एक हेल्पलेस स्माइल करता है, और यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि भाई मैं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपनी औकात के बाहर का है। जो देखकर डोंगविंग भी समझ गया होता कि मामो मेरे को भी पता था, इसीलिए मैंने भी समझदारी से इसकी गुलामी चूज़ कर ली। वो जान गया होता है कि प्रेजेंट टाइम पे इमॉर्टल डेमन दाओजी वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसकी पोजीशन चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसकी हालत अभी भी उसके जैसी ही थी। जिसके बाद जिन डोंगविंग अपने पीछे लाइट बॉल को देखता है, जिसमें काफ़ी सारी फिगर्स सो रही होती हैं, तो उसे समझ नहीं आया कि जॉन इन हज़ार लोगों के बीच से कैसे जाग गया। आखिरकार नॉर्मली कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, और अब जब इमॉर्टल डेमन दाओजी खुद को कंट्रोल कर रहा है तो फिर वो ऑब्वियसली जॉन की मदद क्यों करेगा। हालांकि जिन डोंगविंग यह पूछने की हिम्मत नहीं करता, वो केवल ओबीडिएंट तरीके से शांति से एक जगह बैठ सकता था। शांति दाओजी तुरंत ही जो यान की रिफाइन पिल को भी देख रहा होता है। दोस्तों जॉन ने बाकी कमीशन को रिफाइन करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन बाकी वायदे से पहले उसे अभी भी 4 और 5 कमीशन थे जो रिफाइन करने थे। हालांकि जब जॉन के पास पर्याप्त टाइम है तो जॉन एक और सुधार करने की स्ट्रेटजी बना रहा है, लेकिन इस टाइम पे जियान मो दाओजी द्वारा बताया गया बारमोल आ चुका होता है, जो एकदम पिच ब्लैक होता है, मानो ये लाइट को अपने अंदर ही अब्सॉर्ब करके स्वेलो कर रहा हो। तब तक आप क्लियर महसूस कर सकते हैं जब तक कि आपको ये अंदर की तरफ नहीं खींच लेता। वार्मोल के अंदर किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जॉन को इसकी ज़्यादा फिक्र भी नहीं थी। वो केवल रिफाइनिंग के दौरान पिल इंग्रेडिएंट को खोलना जारी रखता है और रिफाइन करना जारी रखता है। जॉन ने 4-5 कमीशन निकाले होते हैं और पिल को देखा होता है जो उसे रिफाइन करने के लिए सौंपे गए थे, और ये देखने के बाद कि इनमें से आसान कौन है, जॉन आसान पिल को रिफाइन करने के मौके को चूज करता है। आखिरकार टाइम लिमिटेड है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द रिफाइन करना होगा, और ऐसा लगता है जब केवल जो यान ऐसे रास्तों पर हो तभी उसके पास पिल रिफाइनिंग का खाली टाइम हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जूची का क्लोन दिखाया जाता है, जिसे जॉन ने अनकंट्रोल करके छोड़ दिया होता है। वो मेटोरॉइड के बीच बैठा हुआ होता है और वाइड में इधर उधर जा रहा होता है। सत्य मेटोरॉइड जब एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो एक पाम अटैक उन्हें ढकते हुए सूरज की तरह निगल लेती है और उन्हें तबाह कर देती है। और जब ये मेटोरॉइड्स का ग्रुप तबाह होता है तो एक फिगर अचानक ही बाहर निकलती है
और उस पर्सन के पास आती है जिसने मेटोरॉइड के इस ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया था। और आवाज़ आती है, ये कौन है? वो आदमी तुरंत ही चौंक गया होता है जब उसने जूची को उसी की ओर आते हुए देखा था। तभी एक आवाज़ आती है, तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जूची के आगे एकदम कोल्ड दिखाई दे रही होती, चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं और एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट चारों तरफ। तभी वो बंदा तुरंत ही कहता, मुझे खेद है, ये मेटोरॉइड यहाँ टकराने वाले हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो ब्रदर आप कुछ टाइम के लिए रहने के लिए और आरामदायक महसूस करने के लिए मेरे पैंग हाउस में आ सकते हैं। जो सुनकर जियोयान का जो जूची क्लोन होता है वो अपने पैरों के साथ आगे बढ़ता है और अपनी हथेली से पैंग जी जी की गर्दन पकड़ लेता है। वो तुरंत ही कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा मोटिव क्या है। हालांकि जूची के जो थॉट होते हैं वो जियोयान द्वारा डिसाइड किए गए नहीं थे, लेकिन इसकी जो कुछ हरकतें थी वो जियोयान के जैसी थी। लेकिन अब इनमें कुछ कुछ जूची का भी ऑरा और प्रिंट देखा जा सकता था, जो देखकर वो तुरंत कहता, वो इस जूनियर के पास पूछने के लिए कुछ है, आउटर वर्ल्ड से घुसपैठिया है जिसने मेरी फैंग फैमिली को मार दिया और मेरे पैंग फैमिली पर कब्जा कर लिया और उसे अपना गुलाम बना लिया। सीनियर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जो देखकर जूची का क्लोन तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। जूची की आवाज़ एकदम शांत होती है जो सुनकर पैंग जीजी उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल होती है। आखिरकार पैंग फैमिली वास्तव में कोई रोमांचक इनाम नहीं दे सकता था। आखिरकार पैंग फैमिली कोई भी इंटरेस्टिंग और रोमांचक इनाम नहीं दे सकता था। अगर वे ऐसा कर सकते तो क्या वो ऐसी दुनिया में आते और ऐसी हालत में आते? वो तुरंत ही कहता है, सीनियर, मेरे पैंग फैमिली के एक एंसेस्टर हैं जिन्होंने एंसेस्टर लैंड में एक इनहेरिटेंस छोड़ा है और वो घुसपैठिए मेरे पैंग फैमिली के एंसेस्टर लैंड में घुस गए हैं। अगर सीनियर उसे मार सकते हैं तो पैंग फैमिली का मेरा एंसेस्टर का जो इनहेरिटेंस है सीनियर उसे ले सकते हैं अगर उनके पास ये स्ट्रेंथ है तो। पैंग जी अपने दांतों को पीस रहा होता है, हालांकि उसकी पार वास्तव में कमजोर नहीं है और वो अपने जिंग स्टार के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो एक मात्र एम्परर इमॉर्टल है। लेकिन उसका ऑरा स्टेबल नहीं था, यानी कि एम्परर इमॉर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू किए हुए उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तभी जूची का क्लोन पैंग जीजी के गले पर अपनी पकड़ को छोड़ देता है और उसकी आंखें अभी भी कोल्ड होती हैं। वो तुरंत ही कहता है, ये सबसे अच्छा होगा कि आपने कोई भी झूठ नहीं बोला हो। पैंग जी एम्बेरस होकर स्माइल करता है और रिस्पेक्टेडली जूची के क्लोन को ग्रीट करता है। वो तुरंत ही कहता है, निश्चित तौर पर मैं ऐसी हिम्मत नहीं करता, सीनियर मेरे साथ आओ। जियोयान शायद जूची के प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जानता था, लेकिन जियोयान जूची के क्लोन को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि यह बंदा अपना काम करे। वैसे भी जियोयान चाहता था कि क्या जूची का क्लोन अपने इस स्टेज के साथ खुद कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है या केवल उसी लेवल पर खड़ा रह सकता है। इसलिए भले उसकी लाइफ भी खतरे में क्यों ना हो, जियोयान का यहाँ एक्शन लेने या इंटरफेयर करने का कोई भी मूड नहीं था। आखिरकार केवल लाइफ और डेथ को महसूस करके ही ये आगे की तरफ बढ़ सकता था और जियोयान के लिए अच्छी तरीके से वो जानता था कि जूची के क्लोन उसका टैलेंट और उसकी टेक्निक्स देखकर उसकी लिमिटेशंस ये नहीं थी जिस लेवल पर वो है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ चिमी का जो चूजा होता है एक जंगल में दौड़ रहा होता है। आसपास के एक स्टार के पास वो पहुंच चुका होता है जो कि यहाँ पे आसपास के सभी स्टार्स में सबसे बड़े और सबसे रिच सिटी में आ गया होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, क्यों ना मैं यहाँ पर एक रॉयल फैमिली ढूंढकर एक गेस्ट एल्डर बन जाऊँ, फिर मेरे पास लड़कियाँ होंगी, खाना होगा, शराब पिलाने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियाँ होंगी, क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्या कल्टीवेशन का सही मतलब यही नहीं है? मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इस मतलब को समझ सकते हैं और वो केवल मेरी तरह होशियार लोग ही हैं। चिमी अपनी पावर को दिखाते हुए शहर में पैलेस में आ गया होता है और एक पल के लिए भी किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की, जहाँ तक कि एम्परर वो भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। तभी चिमी का चूजा तुरंत ही कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब तक तुम्हारे पास अच्छी शराब और सुंदर लड़कियाँ हैं, बस मुझे बताओ तुम्हें कौन सा देश और कौन सा व्यक्ति पसंद नहीं, मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगा। जो सुनकर तो एम्परर की आंखें चमक गई होती हैं। साले एम्परर को ही मार डाल, यहाँ का राजा बन जा और फिर तेरी सब कुछ। खैर छोड़ो, अगर दिमाग होता तो चिमी का चूजा थोड़ी होता ही है। वो तुरंत ही कहता है, सीनियर इसके बारे में बात कर, तो ये वास्तव में साउथ ईस्ट में ग्रेफाइट सिटी कहा जाता है, उसमें सी फैमिली उसने कहीं से एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग गॉड को इन्वाइट किया है। मुझे आश्चर्य की क्या सीनियर उसके साथ फाइट कर सकते हैं, हालांकि अगर उसे मारा नहीं जा सकता तो ये भी ठीक है, लेकिन सीनियर क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? बदले में आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। एम्परर बेवकूफ़ नहीं था, वो चिमी के चूजे की बात को जानता था तो वो ऑब्वियसली उसे अपनी कठिनाइयों को भी बता रहा होता कि ये मामला है। तभी चिमी का चूजा तुरंत ही कहता है, रुको, और उसकी बॉडी कांप उठी होती है और वो हवा में गायब हो गया होता है। चिमी के चूजे को गायब होता हुआ देखकर
पैलेस के जो भी लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। एम्परर एकदम शांत होता है। तभी धूप की छड़ी के आधे टाइम के भीतर ही चिमी की जो फिगर होती है पैलेस में दिखाई देती है और वो तुरंत ही कहते हैं ठीक है ये तय हो गया, मुझे 10 सुंदरियाँ 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स और एक अच्छी बढ़िया शराब चाहिए। चिमी एकदम नॉर्मली तैयार हो गया। भाई ये सच में ठरकी है, ये पक्का गोयान की संगत में रहा होगा। नहीं गोयान नहीं भाई, एशियन डिवाइन रियलम में था ये, जिया जेंगहुई की संगत में बिगड़ा है भाई, जिया जेंगहुई की संगत में। गोयान तो फिर भी संस्कारी है। जैसे ये वर्ड बाहर आए होते हैं पूरे महल में हंगामा मच गया होता है। आखिरकार वो इतने कम टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तभी एम्परर कहता है ठीक है, सीनियर ने कह दिया ना, इसे किया जाए तुरंत के तुरंत। सत्य उसे पता था कि उसके सामने वाला पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और उसकी रिक्वेस्ट कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट नहीं थी, तो इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाना चाहिए था। सत्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा था, सच या झूठ। लेकिन एम्परर इसे भड़काना नहीं चाहता था। आखिरकार सिटी में लाखों लोग रहते थे और ये इस प्लैनेट का सबसे बड़ा शहर था। बेशक उसे प्रोटेक्ट करने वाले और भी काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग थे सभी ने शुरू से अंत तक अपना सिर नीचे कर लिया होता है। यहाँ तक कि चिमी के चूजों को देखने के लिए उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की होती। इस तरीके से एम्परर समझ गया होता है कि चिमी का चूजा शायद इन सभी की उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद एम्परर चिमी के चूजे के लिए एक आलीशान पैलेस तैयार करता है जिसमें न केवल 10 बल्कि 20 महल की सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां और बढ़िया शराब के हजारों जार होते हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद एक खबर पैलेस में आती है कि एम्परर को रिपोर्ट करते हुए यहाँ एक स्पाई आता है। झुकी हुई आंखों के साथ एम्परर को देखते हुए कहता है, मास्टर पेट्रियार्च वो पावरफुल फाइटिंग गॉड मारा गया, सॉरी मैंने गॉड इमॉर्टल बोला था, वो फाइटिंग गॉड था। जो देखकर एम्परर कहता है बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। तभी ये जासूस को हाँपते हुए देखकर कहता है, पर तुम इतना डरे हुए क्यों हो, इसके लिए इतना हैरान होने वाली क्या बात है। जो देखकर वो जासूस तुरंत ही हाँपते हुए और सांस रोकते हुए कहता है, पेट्रियार्च पूरा ग्रेफाइट सिटी गायब हो गया है, कोई भी नहीं है वहाँ, केवल सिर्फ एक गड्ढा है, हमें नहीं पता क्या हुआ। जैसे ये वर्ड बाहर आए होते हैं बाहर के मंत्रियों की आत्मा बॉडी के बाहर आ चुकी होती है कि क्या बोला इसने, जितने मंत्री होते हैं सब के सब बाहर आ चुके होते हैं कि क्या सिर्फ अगरबत्ती जितने जलने टाइम के अंदर वो ख़त्म करके भी आ गया। ये तुरंत ही कहते हैं जल्दी उसे वो मामला भेज दो। एम्परर समझ गया होता कि जो बंदा यहाँ पे आया था वो सच में काफ़ी पावरफुल बंदा था और इस ओरिजन को और ऐसे बंदे को नाराज नहीं किया जा सकता। ऐसे बंदे को तो उसे अपने देश में रखना ही चाहिए, कम से कम 100 सालों तक कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। उसकी जो कंट्री होती है वो टैमिंगान होती है। उसे पता था कि इस बंदे के होने के बाद आसपास के प्लेनेट का कोई भी बंदा उसे धमकी नहीं दे पाएगा। दूसरा पैलेस के अंदर चीमी दिल खोलकर हंस रहा होता है और अगल बगल ब्यूटी और क्यूटी लहरा रही होती हैं और यहाँ चारों तरफ वाइन और ब्यूटी से घिरा हुआ ये चीमी का जो चूजा होता है ऐसा लग रहा होता है इसे लाइफ के असली मजे मिल गए हो। साथ ही इनकी ड्रेस भी बिल्कुल वही थी जो चीमी देखना चाहता था, शॉर्ट एंड स्वीट। चिमी का चूजा तुरंत ही कहता है, वो शैतान जानता ही नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो यही है। चिमी को अब जोयान के बारे में जानने का कोई डर नहीं था। बेशक चिमी का चूजा जो कर रहा होता है जोयान उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि इन सभी चीज़ों से जोयान बहुत ऊपर आ चुका था। कंपस पर जोयान का ध्यान एकदम फोकस होता है, वो जानता था कि चिमी का चूजा क्या कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्योंकि जोयान ने चिमी को कुछ टाइम दिया है, वो उसे उतने टाइम तक बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करेगा। साथ ही जोयान ने उसे चूजे को इसलिए भी आज़ाद कर दिया था क्योंकि जोयान ये देखना चाहता था कि क्या चिमी का चूजा अदर क्लोन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि भले इस लाइट बॉल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग लोग हों इनमें से कोई भी जोयान को इफेक्टिव नहीं कर सकता था। हालांकि जोयान के पास प्रेजेंट टाइम पे कई क्लोन हैं, लेकिन रियलिटी में केवल 3 ही क्लोन हैं जिनके पास वास्तव में रियल बैटल इंटेंट है, जिसमें ओरिजिन गॉड जूची का क्लोन और सोल ईटर क्लोन है। और ये वो क्लोन है जो कि एक प्री डिसाइडेड लेवल पर रहने के बजाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल तक जा सकते हैं। जैसे सोल ईटर क्लोन सोल को अब्जॉर्ब करके हर एक बाउंड्री को ब्रेक कर सकता है, उसी तरीके से जूची का क्लोन योहाइनस की वर्ड को इसे म्यूटेटेड होने के कारण उसका भी जो फ्यूचर था एकदम ब्राइट था, और ओरिजिन गॉड तो अपनी ब्लड लाइन के कारण ही महान है। साथ ही चिमी के चूजे में जॉन ने वास्तव में कुछ प्रॉब्लम्स को खोजा था। हालांकि चिमी के चूजे के पास बॉडीज को कैप्चर करने की एक शक्तिशाली पावर थी और उसके पास अनगिनत क्लोन हो सकते थे, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में क्लोन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो ये मेन बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी और उनका बैकलैश झेलना बहुत कठिन। हालांकि चिमी के चूजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जॉन ने उसकी बात पर पूरा ध्यान दिया था।
और जब तक उसने कहा था कि वो क्लोनों को दोबारा देखता है, उनकी एक दूसरे से फाइट होगी क्योंकि वो सभी सोचते हैं कि वो रियल बॉडी हैं। और उसने जो कहा उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन क्लोनों का उसके ऊपर उल्टा असर पड़े, यहाँ तक हो सकता है कि उन क्लोनों ने अब तक काफ़ी अच्छी पोजिशंस भी ले ली हों रियल पर्सन की। इसीलिए जो यान ने भले ही बहुत सारे क्लोन लिए हो, जॉन ने कभी भी उनकी बॉडी से उनके सोल को नहीं निकाला, चाहे वो स्प्रिट किंग कुई जून हो, चिमी का चूजा हो या मॉर्टल डेमन दाऊजी, वो भी इसमें शामिल थे। जॉन ने उन्हें अपने क्लोन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें रियल क्लोन नहीं बनाया था, बस वो इन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर ऑफ कैप्चरिंग का यूज़ करता था। और जॉन ने यह देखने के लिए छोड़ दिया था कि इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड में उनके पास किस तरीके का क्लोन है या किस तरीके की पावर। आखिरकार चिमी का जो चूजा है वो काफ़ी स्मार्ट है और उसने जो कुछ भी किया और जो भी क्लोन पकड़े होंगे वो बेहद ताकतवर और काफ़ी हाई लेवल के रहे होंगे। ये बात तो जॉन जानता है क्योंकि अब तक मिले हुए जितने भी क्लोन थे उनमें से जॉन ने देखा था ज़्यादातर जूची के ही क्लोन थे, चिमी के चूजे के ही क्लोन थे जो एकदम अनबिलीवेबल थे, चाहे वो सोलिटा क्लोन हो या ओरिजन गॉड क्लोन, दोनों ही जॉन ने उसी से छीने हैं। इसलिए इस बार भी जॉन केवल चिमी के चूजे को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ये देखने के लिए कि क्या वो उसका यूज़ कर सकता है और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग क्लोन को पकड़ने के लिए एशियन इमॉर्टल बर्ड के अंदर। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हम वास्तव में चिमी के चूजे का यूज़ करके कोई अच्छा क्लोन पकड़ पाते हैं या नहीं। तो बाय बाय थ्री एंड फैमिली, गुड आफ्टरनून, नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें नाइट में मिलेगा, तो वेट करना और वॉच करना, ओके?